अनन्या को हम अवार्ड देना चाहते हैं, पर आपको स्कूल से आकर कलेक्ट करना होगा। कोई भी अभी अवार्ड कलेक्ट कर सकता है। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। वाओ अनन्या, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा जी। लेटर टीचर का फोन आया था। ये सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी है, बस सिर्फ थोड़ी मैथ्स में कमजोर है। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, ट्यूशन लगवा दो ना उसकी। रमनी, ट्यूशन की क्या जरूरत है, आप मैथ्स में इतने अच्छे हो, आप क्यों नहीं पढ़ा देते उसको। हाँ पापा, मेरी एक फ्रेंड है ना सिया, उसके पापा उसे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देते हैं, और आप भी मुझे मैथ्स पढ़ा दो ना। अरे शनाया, तुमको पता है मैं ऑफिस जाता हूँ, इतना काम रहता है, इतना प्रेशर है मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीजों का। रमनी, अगर आप इसको रोज आधा घंटा भी पढ़ा दो तो बस हो जाएगा। देखो बोली, मेरा काम है ऑफिस जाना, पैसा कमाना और इस घर का पूरा खर्चा उठाना। तुम घर रहती हो, बच्चों की परवरिश, बच्चों की पढ़ाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ठीक है, फिर मैं शनाया को ट्यूशन ज्वाइन करवा देती हूँ, क्योंकि मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है। और पापा, आपको पता है मैं क्लास में टॉप हुई हूँ और मेरे को अवार्ड भी मिलेगा। इसके टीचर का फोन आया था, वो बहुत अप्रिशिएट कर रही थी इसको, और अवार्ड की बात भी करी उन्होंने। अरे वाह, शाबाश बेटा। पापा, तो आप मेरे स्कूल से अवार्ड ले आओगे? हाँ मैं? अरे इनका बच्चों का स्कूल आपके ऑफिस के बहुत पास है, आप लेते आना। अरे ठीक है यार, मैं ले आऊंगा, लेकिन मुझे याद दिला देना। ओके ठीक है।